सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू साइंस क्लासेस पर। मैं चंदन सिंह, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अवकल समीकरण, जो कि क्लास ट्वेल्थ में 5 से 8 नंबर का आता है। इसका क्वेश्चन नॉर्मली 5 नंबर का जरूर आएगा, और बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो 8 नंबर का आएगा। तो आज हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है 18.2 और बुक हमारी है बालाजी पब्लिकेशन की बुक से हम कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, और इसमें सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिलने हैं और हर स्वरूप के क्वेश्चन भी इसमें मिलने हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन dy/dx = e^x का हमें करना है समाकलन। तो इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, y वाले जो इंटीजर होते हैं उनको एक साइड में रखते हैं और x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e^x, और dx जो है उधर आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर इसका हमें करना है समाकलन हमें करना है दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो हम ये हो जाएगा dy और ये आपका हो जाएगा e^x dx। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy का ओनली हो जाएगा y, और e^dx है तो इसका हो जाएगा e^x, और प्लस का एक कांस्टेंट c लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है dy/dx = 1/x, इसका करना है हमें समाकलन। तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को किया है, dy वन साइड और dx का हम करा देंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका dx/x। अब इसका कर लेंगे हम समाकलन जब करेंगे तो चिन्ह समाकलन का लगा लेंगे, और उसके बाद समाकलन अब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y, और 1/x समाकलन का होता है log x, तो ये आपका हो जाएगा log x और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है dy/dx = tan x। अब इसका करना है हमें समाकलन, तो ये हो जाएगा आपका dy और dx जो है उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x dx। अब इसका करना है हमें समाकलन, तो dy का y हो जाएगा और tan x का होता है sec x भी होता है और माइनस का cos x भी होता है, तो tan x का हो जाएगा log sec x और प्लस का एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये है dy/dx = cot x। तो इसका करते हैं समाकलन, इसका हो जाएगा dy/1 side और cot x, और इसका हो जाएगा dx। तो अब इसका समाकलन करना है हमें, तो dy का हो जाएगा y और cot का होता है log sin x, तो ये आपका हो जाएगा log sin x, और एक कांस्टेंट आप c ऐड करेंगे। फिर इसी में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका dy/dx = cosec² x + sec² x + cos x, इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हो जाएगा आपका dy वन साइड और dx सभी के साथ चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ब्रेकर लगाएंगे, cosec² x + sec² x + cos x (dx). अब जब हम समाकलन करेंगे तो सबको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, dy = ये हो जाएगा आपका cosec² x dx + sec² x dx + cos x dx। अब कर दें समाकलन, ये हो जाएगा y, cosec² का होता है माइनस का cot x हो जाएगा, और sec² का हो जाएगा tan x,
और कॉस का होता है साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। फिर अगला है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का साइन फोर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 नोट कर लिया है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन फोर एक्स, अब इसका देखिए कैसे करते हैं हम समाकलन। ये आपका हो जाएगा डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन फोर एक्स इंटू डी एक्स, अब इनको अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समाकलन लगा लेते हैं डी एक्स प्लस साइन फोर एक्स डी एक्स। अब करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू इस डी वाई का वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस फोर एक्स, और फोर एक्स का है फिर तो इसका समाकलन फिर होगा अपान फोर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा छूट गया था उसको हम फिर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस फोर एक्स, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी वाई और डी एक्स को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का फोर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे डी वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फोर को बाहर कर लें एक्स डी एक्स, अब इसका हम कर देते हैं समाकलन। जब इसका करेंगे समाकलन तो डी वाई का हो जाएगा वाई, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टैन एक्स और प्लस फोर और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, कैंसिल कर लेंगे और कांस्टेंट दे देंगे, ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू टैन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, अब इसकी वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी और इसके एक एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे बालाजी पब्लिकेशन के, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट और